नमस्कार। शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सुपारी खाने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। जी हाँ, सुपारी का जो सेवन है वो कितना नुकसानदायक है और कितने फायदेमंद है। दुनिया भर में लाखों लोग जो है सुपारी का सेवन करते हैं। सुपारी जो दुनिया के कई क्षेत्रों में पाई जाती है और खाई भी जाती है, वो दो अलग अलग वनस्पति और चूने का एक मिश्रण है। सुपारी का एक भाग यानी अखरोट ताड़ के पेड़ एरिका कैथू से आता है। कभी कभी अखरोट और चूना पान की बेल में लिपटा हुआ पीपर बेटल में आता है। जी हाँ, और सुपारी का जो प्रयोग है, अक्सर सुपारी का प्रयोग गुटके या तंबाकू के सेवन में किया जाता है। लौंग, इलायची, शक्कर स्वाद बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और जो लोग सुपारी चुबाते हैं, जी हाँ, जो लोग सुपारी चबाते हैं वो लोग कभी कभी अपने स्वाद के अनुसार खुद का उत्पाद बनाने में लगते हैं। और सुपारी कमर्शियल रूपों से भी बाजार में उपलब्ध हो जाती है, लोग अलग अलग नामों से। लेकिन इसके नुकसान बहुत हैं। इसके क्या क्या नुकसान है कि आमतौर पर सुपारी चबाने से मुंह में लार बनती है। कुछ लोग ज्यादा लार को या तो थूक देते हैं या निगल लेते हैं। परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो हमें सुपारी जो है मौखिक स्वच्छता, भूख और लार के उत्पादन के लिए फायदेमंद होती थी। अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि सुपारी चबाने से मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ता है और महिलाओं के गर्भ में बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसके हिसाब से हमें सुपारी का सेवन नहीं करना चाहिए। सुपारी कई रूप में उपयोगी भी है, लेकिन कई रूप में इसका नुकसान भी है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप सुपारी का इस्तेमाल ना करें। सुपारी आपके लिए और आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। अक्सर लोग सुपारी खाते हैं, लेकिन वो उनकी मर्जी है। हमारा मानना यही है कि सुपारी खाने से, उसकी लार से आपको कैंसर का खतरा हो सकता है। तो आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सुपारी का उपयोग ना करें और आनंद से अपने जीवन को बिताएं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।